दिव्य गुणों से सजी सजाई शुभ चिंतक मणियों को गॉडली मॉर्निंग। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कहाँ चल दिए, ऐसे जा सकेंगे अपने घर? नहीं, संपूर्ण पावन बनकर जाना है अपने मीठे वतन। अब संपूर्ण पावन बनेंगे कैसे, ये बाबा आज समझाते हैं। मनुष्यों ने जितनी धन संपत्ति जायदाद आदि जमा किया है, उन सब का क्या हश्र होगा, कैसे होगा, ये भी जानेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, सच्ची सच्ची अविनाशी कमाई जमा करने पर ध्यान देना है। आज तारीख है 11 जून 2024, 11 1 और 1, तो एक मैं आत्मा और एक मेरा बाप परमात्मा। सुनते हैं सिद्धि स्वरूप सहज योगी बनाने वाले परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। बाबा कहते हैं जिस घर से आए हैं वापस उस घर में जाने का समय आ गया है, लेकिन वो दुनिया पावन है और अभी हम यहाँ पतित, तो पहले पावन बनना है, संपूर्ण बनना है और फिर उस घर में जाना है। प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? अब नई दुनिया पावन दुनिया में वापस आना भी है, तो बाबा कहते हैं पावन बनने की युक्ति तो बच्चों को बतानी पड़ेगी। तो उत्तर में बाबा कहते हैं संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बैगर बनो। बैगर, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। देह सहित सभी संबंधों को भूलना है और बाबा को याद करना है, तब पावन बनेंगे। तो पूरा
बेगर बनना है, जो कुछ भी है सब बाप को समर्पित कर देना है। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बेगर बनो, सबसे बुद्धि हटा लो, मोह खत्म हो जाए, पूरा बेगर बनना है। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं जो अभी यहाँ पूर्ण रूप से समर्पित है, और जो बेगर बनते हैं बाबा कहते हैं वही सतयुग में प्रिंस बनेंगे, महाराजा महारानी धनवान बनेंगे। तो बेगर टू प्रिंस। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं, हम ही पावन थे, पतित और पावन यह आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते, हमारे सिवा कोई समझ नहीं सकते और बाबा के सिवा कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। पतित पावन, सुख दुख, दिन रात आधा आधा है। और क्या है आधा आधा? भक्ति और ज्ञान। आधा आधा है, ज्ञान मिलता तो अभी है लेकिन उसका जो असर है वो आधा कल्प तक रहता है। तो बाबा कहते हैं जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वह शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है, एक एक आत्मा आती जाती है, आती रहती है ना ऊपर से, जाएंगे तो सब एक साथ। तो बाबा कहते हैं अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। तो नदियों का संगम कुंभ नहीं है, आत्मा और परमात्मा का संगम, परमात्मा से ज्ञान गंगा निकलती है, तो ये है संगम, ये है कुंभ। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है चार युग होते हैं, पांचवा या छोटा सा लीप संगम युग है। तो प्रयागराज में वो नदियों का संगम, इलाहाबाद प्रयागराज है ना, और यहाँ पे बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा का ये संगम युग है, ये है छोटा सा लीप संगम युग, पांचवा छोटा सा, इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बच्चों को यह खातिरी है ना, समझ में आ गई, पता है ना। तो देखो हमारे लिए बाबा आते हैं तो कितनी अच्छी उमंग, उत्साह की बात है हमारे लिए, हाँ उत्सव की बात है, हमारा सत्कार है। हाँ बाबा आके हमें सजाते हैं, तो हमें भी बाबा का पूरा सत्कार करना है, रिगार्ड करना है, बाबा का कहना मानकर, अपने खातिर बाबा की खातिरी करनी है। हाँ बाबा हमारी खातिरी करते, हमें बाबा की खातिरी करनी है। तो बच्चों को यह खातिरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ, आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पार्ट होता है, इनको कहा जाता है जीवात्मा, पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी वह फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है, पतित से पावन, पावन से पतित,
यह चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं, तो हर 5,000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सदगति करते हैं। उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला। तो बाबा सुख करता है, अभी आए हुए हैं तो हमें उनका स्वागत सत्कार करना है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा सुख देने वाले हैं तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है 5 विकारों रूपी रावण, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। हाँ, स्वास्तिक बनाते हैं ना, 4 भाग दिखाते हैं। तो देखो, पहले सीधे रास्ते चलते हैं, बाएं से दाएं मन सीधा जा रहे हैं, फिर नीचे गिरते हैं और फिर दाएं से बाएं जाते हैं, तो बिल्कुल वाम मार्ग हो गया, उल्टा हो गया। और बाबा आते हैं तो फिर नीचे से ऊपर, माना फिर लिफ्ट मिलती है। तो इस तरह से 4 भाग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल बराबर है, जरा भी कम जास्ती नहीं। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं, बहुत दुखी हैं, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाएं, वह ब्रह्म में लीन हो जाएं, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना, आत्मघात करने से क्या होगा। बाबा कहते हैं कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं, भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा, क्योंकि सन्यासी तो क्या चाहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाए, मोक्ष मिल जाए, पुनर्जन्म न लेना पड़े। और जो गृहस्थी वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो कहेंगे कि स्वर्ग पधारा। सन्यासियों को स्वर्ग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उनको तो ब्रह्म में लीन होना है, ज्योति ज्योत समाना है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज्यादा याद है, क्योंकि स्वर्गवासी तो हम ही है ना। हाँ, तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था, पता तो हमको भी नहीं था कि असली स्वर्ग कहाँ। तो बाबा बताते हैं, बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। स्वर्ग नर्क देखो सब कुछ बाबा ने बता दिया, अगला पिछला, भूत भविष्य सब कुछ। तो कितने गहरे राज हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्र हूबहू फिरता ही रहता है, नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। ये जो बेहद का नाटक है, ये हूबहू रिपीट होता है ना, ये चक्र रिपीट होता है। और उस नाटक को बाबा कहते हैं हूबहू नहीं कह सकते, जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, थिएटर में जो करते हैं, तो वो बार बार जो शो होते हैं उसमें एग्जैक्टली तो वो नहीं काम कर सकते हैं ना, वैसा ही जैसा पिछले शो में किया है। तो बेहद का जो नाटक है वो हूबहू रिपीट होता है। तो बाबा कहते हैं कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं, जो थिएटर में काम करते हैं, जो लाइव परफॉर्म करते हैं, तो कोई बीमार हुआ तो छुट्टी लेगा वो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाप आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5,000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो, ये युक्ति है। रामबाण इलाज, रामबाण दवाई है ये, याद।
बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं, पहले पहले यह सबक देते हैं। कौन सा पाठ पहले पढ़ाते हैं? बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ, तुम फिर भूल जाते हो। कितना रटाते हैं बाबा, बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लिखो बार बार। ब्रह्मा बाबा ने देखो कितनी प्रैक्टिस की, ब्रह्मा बनने से पहले दादा लेखराज जी ने कितनी प्रैक्टिस की, हाँ 6-7 साल पहले से ही देखो उनके संकल्प जो है वो शुद्ध होने लग गए थे। बाबा धरनी तैयार कर रहे थे ना, क्योंकि बाबा को उस स्तर में प्रवेश होना था, तो उनके भी संकल्प शुद्ध हो रहे थे, संस्कार शुद्ध हो रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि तुमको इतना याद कराता हूँ, तुम फिर भी भूल जाते हो, भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते हैं, तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं, आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। आत्मा में बाबा कहते हैं ये अवेयरनेस आ जाती है कि क्या विकार है और क्या अच्छे संस्कार हैं। तो आत्म अभिमानी बने तो फिर कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर, इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं, हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे, नैनों पे पलकों पे सजनी बनाकर या बराती बनकर, मोचरा खाकर जाना है क्या? तो बाबा कहते हैं, सब बताते हैं बाबा कि तुमको वापस कैसे लेके जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। कहते हैं ना, विषय विकार हरो देवा, आरती गाते रहते हैं। एक तरफ तो आरती गाते हैं कि विषय विकार हरो, और दूसरी तरफ क्या कहेंगे, विकार करो नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। तो मंदिर के अंदर कुछ और बाहर निकलते ही कुछ और। तो बाबा कहते हैं कि तुम सभी कहते हो कि हम पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे, जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। यह भी तुम समझते हो आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। छोटा सितारा है पर गुणों में सागर है, तुमको भी आप समान बनाते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को है, जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो यह ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं, अभी नहीं सुन रहे हैं, और सतयुग में तो मौज मस्ती में रहेंगे तो ज्ञान सुनेंगे, सुनेंगे बाबा ही नहीं रहेंगे, बाबा तो आएंगे नहीं सतयुग में। एक बार बच्चों ने कहा बाबा आप सतयुग में आइए, बाबा कहते वहाँ जाके फिर बुलाना, मुझे इनविटेशन देना। कौन ये जिम्मेवारी लेते हैं कि सतयुग में जाके बाबा को बुलाएंगे, याद रहेगा किसी को? तो बाबा कहते हैं कि फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो यह ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं, ज्ञान सागर बाप तो एक ही है, जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वह बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, तुम फील करते हो बाबा को हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है, जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। अब देखो हमारा मुख किस तरफ है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो, बाप एक ही बार वर्षा देते हैं,
फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर करेंगे। तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया, तुमने बुलाया और मैं एकदम ऑन टाइम चला आया। हर 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ, यह किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसको भी पता नहीं है, इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते हैं। बाबा को ये शिकायत तो है कि बच्चे मेरे जन्मदिन की छुट्टी नहीं करते, हॉलीडे नहीं करते। हाँ, गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है शिवरात्रि की, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि कितना वैल्यूएबल काम किया है, कितना कल्याणकारी काम किया है कल्याणकारी शिव बाबा ने संगम युग पर आकर। तो बाबा कहते हैं और सबकी हॉलीडे करते हैं, लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है, पता ही नहीं है, जीवन कहानी नहीं पता, कर्तव्य नहीं पता, तो फिर इसलिए गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है। बाबा कहते ये क्यों है, क्योंकि अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच है, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंच बनाएंगे। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नरसे नारायण बना, उन्होंने यह नॉलेज सुनी है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए शोभता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। यह है नरसे नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतोप्रधान बनना है, उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। धर्म स्थापकों की बात कर रहे हैं बाबा, हैं सब आएंगे ना अंत में सलामी देने। तो बाबा कहते हैं उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं, बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो फिर कभी याद भी नहीं करते हो, स्वर्ग में थोड़ी याद करेंगे। ऊंचते ऊंच बाप है फिर बनाते भी ऊंच हैं। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण हैं, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नरसे नारायण बने, क्यों नहीं कहते हो नरसे कृष्ण बने। प्रश्न अच्छा है ना ये, नरसे नारायण क्यों बने, नरसे पहले श्री कृष्ण क्यों नहीं बने, पहले नारायण थोड़े ही बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चा तो फूल होता है, वह तो फिर भी युगल बन जाते हैं, तो महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतोप्रधान कहा जाता है, तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे, गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस। तो बाबा कहते हैं पहले प्रिंस बनेंगे फिर नारायण बनेंगे ना, तो बेगर टू प्रिंस। भक्ति में क्या कहते हैं, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। तो बाबा कहते हैं प्रिंस प्रिंसेस, तो देखो राधे भी प्रिंसेस और श्री कृष्ण प्रिंस, तो बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है, आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं। बेगर बनना माना पुरानी दुनिया से बिल्कुल भी अविद्या हो जाए, उपराम हो जाए, पुराना कुछ भी नहीं, पुराना सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया मन बुद्धि से, है ना, तो वैसा बेगर बनना है। बाबा कहते हैं इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, तुमको इस समय ही बेगर बनना है, शरीर सहित तन मन धन सब कुछ समर्पित। पाई पैसे जो कुछ हैं खत्म हो जाएंगे, और चरित्र से देखें तो अभी तो सभी गरीब हैं, और जो अपने आप को साहूकार धनवान समझ रहे हैं तो बाबा कहते हैं वो भी पाई पैसे जो कुछ भी हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो विनाशी है, सब खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे। जो बाबा के बच्चे हैं वो भी जाएंगे, जो नहीं जानते हैं बाबा को उनको भी सब कुछ छोड़कर जाना है। बाबा कहते हैं फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे, अभी तो सब कुछ छोड़कर बेगर बनकर घर जाएंगे,
और फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है, यह पुरानी चीज कोई काम की नहीं है, पुराना कुछ भी काम का नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर यहाँ आएगी पार्ट बजाने। कल्प पहले मिसल, जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। भल इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। तो ये तो उस समय की मुरली है, हाँ साकार मुरली। तो ये तो उस समय बाबा करोड़ों की बात कर रहे हैं, अब तो क्या है अरबों है ना, अरबों खरबों की बात है, करोड़ों की बात है, करोड़ों डॉलर्स की बात है अब तो। तो बाबा कहते हैं हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं, यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, यहाँ आए हैं नई दुनिया में जाने के लिए। और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देह के सब संबंध छोड़े तो बेगर ठहराना, पुराना कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ना है तो बेगर हो गए ना, कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है, भारत अभी बेगर इनसॉल्वेंट है। देखो सब एक दूसरे से लोन लेते रहते हैं, भल कहते हैं कि इतने करोड़ों हैं, धनवान हैं, लेकिन चरित्र से सब गरीब हैं, पतित हैं, तो इनसॉल्वेंट हैं, बेगर हैं। सत्युग की तुलना करें अभी तो बेगरी है ना, कुछ भी नहीं है, भले ही करोड़ों की अरबों की बात करें, कितनी भी मिल्कियत हो, लेकिन इंसॉल्वेंट हैं। बाबा कहते हैं फिर सॉल्वेंट होगा, फिर से धनवान होंगे, सोने की चिड़िया भारत, विश्व गुरु कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कौन बनते हैं, आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी है नहीं, वह भी इंसॉल्वेंट हैं। राजा रानी का ताज भी नहीं है, न वह ताज है न रत्न जड़ित ताज है। अभी सब क्या है, मोहताज है, पवित्रता का ताज तो है ही नहीं और रत्न जड़ित ताज भी नहीं है। देखो लेकिन अभी अपने आप को सब राजा समझते हैं प्रजातंत्र में, बिना ताज वाले राजा, मोहताज हैं पर। तो बाबा कहते हैं अंधेरी नगरी है, सर्वव्यापी कह देते हैं, अंधेरी नगरी है, अज्ञान अंधकार है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, गोया सब में भगवान है, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में हैं, इसको कहा जाता है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो तुम ब्राह्मणों की रात थी, मैं भी भगवान तू भी भगवान, फिर भी सब घूम रहे हैं होकर परेशान। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है, सत्युग में सभी जागती ज्योत है। खुद को जानते हैं, जागती ज्योत है ना, आत्माभिमानी अवस्था है। अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है, भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, दिया जलाते हैं ना, और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं, कैंडल जलाते हैं बाहर तो दीपक की बात है ना, दिया मिट्टी का दिया और उसमें ज्योति जगती हुई। तो शरीर क्या है, मिट्टी है, और आत्मा चैतन्य है, जागती ज्योत है। तो ये देखो सिंबॉलिक इसका अर्थ, ये तो भारतवासियों को ही पता है ना, बाबा ने आके बताया है। तो बाबा कहते हैं कि भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कोई थोड़े ही दीवा जगाते हैं। आजकल क्या करते हैं देखो, मोबाइल से ही टॉर्च जला लेते हैं, पहले तो फिर भी टॉर्च था, कैंडल टॉर्च, और अब तो मोबाइल, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक। तुम्हारी ज्योत उझाई हुई है, ज्योत उझाई हुई है, ऑलमोस्ट गॉन थी, लेकिन बाबा ने आके फिर से जगा दिया। तो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वह ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही है, फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने, बैटरी भरती है। सही चार्जर ही नहीं था अभी तक, पावर हाउस से अब कनेक्टेड होंगे, सही चार्जर, हाँ तरीका यूज करेंगे, तब तो बैटरी चार्ज होगी ना। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है, जैसे सैमसंग के चार्जर से आईफोन का भी चार्ज नहीं होगा, वैसे आत्मा कहीं भी इधर उधर भटक ले, कोई भी सत्संग में चले जाए, चार्ज नहीं होगी। शिव बाबा पावर हाउस से जब तक कनेक्शन नहीं होगा
आत्मा चार्ज नहीं होगी, बैटरी भरेगी नहीं। तो आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना है और हमेशा चार्ज्ड रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतोप्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरा, इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है। हमें बेगर से प्रिंस बनना है, हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। वरदान है, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बाप दादा समझाते हैं, आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजोतमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। देख रहे हैं ना उदाहरण, कोई भी साधु महात्मा अभी जो हैं, जो भी कितने भी बाबा हैं, सबका चमत्कार सिद्धि, हाँ, शुरू में तो बहुत अच्छा और फिर बाद में बाबा ने क्या बोला, सतो रजो तमो तीनों स्टेज से गुजरते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, कहाँ तो इतनी महिमा, इतनी प्रसिद्धि और फिर जेल में चले जाते हैं। तो हो गई ना स्टेज कैसी, सतो से तमो। और क्यों सतो स्टेज उनकी, क्योंकि वो आत्माएं नई आत्माएं हैं, अभी अभी इस धरती पर आई हैं, परमधाम से अभी आई हैं, तो पवित्र आत्माएं वो पावर है। और पहला जन्म जीवन मुक्त, तो शुरू में जीवन मुक्त स्थिति और बाद में देखो कैसे तमो प्रधानता को प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं, आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। छोटा मोटा चमत्कार दिखाने के बजाय बाबा कहते हैं, आप तो आत्माओं को कैसे बनाते हैं, चमकती हुई ज्योति, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। भल अभी उधर जा रहे हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं वो तो बहुत अल्पकाल के लिए है, जब समझ में आएगा कि अविनाशी भाग्य का सितारा कहाँ चमकेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ चमक बढ़ेगी, बाबा कहते हैं सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे, थोड़ा सा भी मिल जाए, हाँ, ज्ञान गुण शक्ति खुशी सब लेने के लिए आत्माएं यहाँ पर आएंगी, आपके पास आएंगी। तैयार है सभी, हाँ, भंडारे भरपूर हैं, खजाने संपन्न हैं, बहुत जिम्मेवारी आने वाली है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें सिद्धि स्वरूप बनना है, सबको चमकाना है। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति देखी सहयोगी आत्माओं ने, तो वो भी बाबा के बच्चे बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। देखेंगे ना ये साधनों से कितने उपराम हैं, कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो ऐसा वायुमंडल तैयार करना है। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली से देखेंगे क्या बनना है हमें। पहला, संपूर्ण पावन। क्या बनना है? संपूर्ण पावन। दूसरा, बेगर टू प्रिंस। तीसरा, आत्म अभिमानी। चौथा, सिद्धि स्वरूप। और पांचवा, सहज योगी।
बनना भी है बनाना भी है। तो बेहद का वैरागी बनना है, सहज योगी बनना है। ओम शांति। चलो मुसाफिर।